दिल्ली विश्वविद्यालय 100तम वार्षिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोग देते आम सहित प्रोफेसर नेत्रानंद साहू अच्छा एने अधिक आलोचना करवा सर कथार अच्छी जिते पिला बड़ हुए तार दायित्व बढ़े शहे वर्ष है वर्तमान आज दिन में दिल्ली विश्वविद्यालय कौन चैलेंजेस रही अलरेडी भिसी कहते हैं पचीस वर्ष स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आगे बढ़ुच्छी आपं सर कौन चैलेंजेस आज्ञा देखो आम ए दिल्ली यूनिवर्सिटी जो चैलेंज अच्छी आगे कमी रियल किसी प्रोग्राम हो जोड़ा रियल ग्राउंड रूट लेवल से इम्प्लीमेंटेशन हम जमी गाँ गाँव में सब इम्प्लीमेंटेशन पे मन कर गोटे किसी आम गोटे पलिस अच्छी पलिस गाँव में कमी लोक डिसमिनेशन इनफर्मेशन हो खबर भितर को पहुंचा हो कि कौन से रिसर्च बाहर आम रिसर्च कर रिसर्च कलापर जैसे गाँव में कमी मानते कमी से लोक मान उपकार आसो सर लोक मान आगो को टारगेट टा सेटा हबो जे कोनो छि जिनिस आगरु थेसिस गुडा को केवल बंधा है कि लाइब्रेरी ही रही जाउथला वर्तमान जो रिसर्च को प्रधानमंत्री प्रायोरिटी दउछन्थि ता निश्चित हबे केवल इम्प्लीमेंटेशन हबो ता सहित कारण आम घरे घरे गाँ गाँ पर्यंत जदि से रिसर्च न जीव न पहुंचिबो तेणु से रिसर्चर किसी मूल्य ना आपड़ कौन विकासशील देश देखु से रिसर्च करें निज अनुभव करें घरे घरे गाँ गाँ कम इम्प्लीमेंट हो पारे से गुड़ा गोटे छोट कथा सेमी कंडक्टर इट्स ए भेरी बिग इश्यू मानते इंडिया कौन चाहिए भल सेमी कंडक्टर कर बहुत कथ तेणु से गुड़ाक बहुत दरकार आम इनपुट करुँ बाहर बहुत पैसा दौ तेणु से बहुत एमती जिनस अच्छी दिल्ली विश्वविद्यालय बर्तमान इनोवेटिव वे हेलापर ताको आगू केमती लगे आईटी सेक्टर फॉर एग्जांपल पैंडेमिक रे देखुं जो मैंने एत लोक कम समय केमी दि जा वैक्सीन टा से गोटे तार गोटे इनोवेशन रोचे तेणु सेमती विभिन्न प्रकार सोशल सेक्टर भी सोशल साइंस भी एमती बहुत सेक्टर रही है जोगुड़ा मेडिसीन गोटे या प्राक्ट करे डर लगुच इंजेक्शन टा से नौनी केमी नब तेणु से लोक एवेरनेस क्रिएट कर तेनाली जिन आगे प्राधान्य हम जो केमी जा गाँ गाँ घरे घरे रिसर्च हो पहुंच विभाग आज दिन में कौन आह्वान रही कौन चैलेंजेस रही प्रधानमंत्री देखो मुझे कह गोटे फैमिली गोटे अर्थ बुझे वन अर्थ वन फैमिली तेणु वन विलेज तेणु आप भिलेज रु कनसेप्ट निज ग्लोबल भिलेज बर्तमान गाँव में रही बर्तमान जीपीएस सिस्टम देखुं गाँव में आप वर्ल्ड को देखिपुर गाँव में रहिए तेणु आम चैलेंज बर्तमान हूँ गाँ गाँव में सब पहुंचा सहित केमी जो ग्लोबल वार्मिंग हो गाँ रु के बचाइबू तेणु गाँव रो गचपत जहाँ भी रही पहाड़ पर्वत रही आज्ञा ताको केमिति करि परिबो तेणु एटा सहरीकरण आम जो जाऊ आगे को मु तो भावु आगे पचास वर्ष पर लोक फेरबे गाँ चल जमी आम आगुरी मेडिसिन एलोपाथिक खाऊ आयुर्वेदिक लोक कले निज योग कले निजर केमी बेनिफिट हम जान लें हेल्थ प्रति कनसीयस हेले जहाँ बाहर खावा कि जहाँ खावा एवोड कले तेणु यू जिन पुणा फेर तेणु भारत जो मानने शह शह वर्ष पूर्व जो विकास होता जो सुनार चिड़िया भारत होता से विदेशी मैंने सब आक्रमण करुले एवं आसुवा आगामी शहे वर्ष भितर यही उपलक्ष्य भारत जी आम शिक्षा व्यवस्था को सही दिगरे जीव तेणु निश्चित पुणी गाँ गंडार आम से सुना सब फल विजयलक्ष्मी मैडम ठूँ आरंभ कर आपंक पर्यटन लंबा तालिका अच्छी जी आम ओडिया छात्र कह दिल्ली यूनिवर्सिटी पठन हो बा वर्तमान आज के डेट में शिक्षा दान कथा कहतु केमती सर प्राउड फिल करती दिल्ली यूनिवर्सिटी गोटे पार्ट हो आज्ञा मु देखते ग्रेजुएशन पर मुझे सीधा दिल्ली आसती एम एठू कली एम ए पर एम फिल कली तेनाली पीएचडी बाहर पलि जाइए जापान कितु एठ जेहेतु मोर आलुमनाई एवं ये एत बड़ यूनिवर्सिटी आपड़ देखिए गोटे इंडिया सब बड़ यूनिवर्सिटी एवं जो क्यूएस रैंकिंग आसला ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड 407 रैंकिंग अच्छे कि इंडिया नंबर 9 अच्छे ये 6 लाख पिला पढ़ुंट 90 कलेज अंडर में तेणु आप देखो 10,000 फैकल्टी मानते प्रोफेसर 10,000 तेणु आप अनुसार अनुभव करूँ आम ओडिशा आसिकी गाँ पखाड़ सुकुआ आ खटा खाई आसी एटी पढ़ी सहित कंप्लीट करके विदेश में जाकि पीएचडी करके आसलू तेणु आसिक ये पुणी पढ़ाऊ मानते प्रोफेसर हो पारे से बहुत गर्वर कथा स्टूडेंट मान को कौन सर आप मुझे कह देखु मानते परिश्रम फल निश्चित अच्छी परिश्रम करूँ शिक्षा दिगरे हूँ आप परिश्रम कले निश्चित फल हम मुझे दिने जो आसी प्रथम ओडिशार आमर से मानने पढ़ी आसला बीए कर जितेबाला आसिक पहुँचल तापर मुझे भाई कौन हाँ सोर रु आसी मैं बीएससी करी तेणु मुझे आसली जितेबाला भाविली जे एटी दिल्ली पलैबी मैंने मो रेजल्ट बाहर मुझे दिल्ली पलि आसली कि दिल्ली पलि आसली आज फलटा पाई बुझे तेणु सेमती आशा उच्च रखा दरकार तेणु ता सहित अर्थ बहुत बड़ समस्या नुहे जदि आप उच्च इच्छा अच्छी आप निश्चित हासिल कर ड्रीम मस्ट मस्ट ये जो कहते हैं पैसा नहीं गोटे पीएचडी कर बेकार हेबनी
ଯଦି ପିଏଚ୍ଡି କରି ସେ ବେକାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ପିଏଚ୍ଡି ଠିକ୍ ଭାବେ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପିଏଚ୍ଡିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଇନୋଭେସନ୍ କରିନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଜି ବେକାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ବେକାର ହେବନି ଜଣେ, ଯଦି ଜଣେ ପାଠ ପଢିଛି ସେ କେବେ ବେକାର ହେବନି। ହଁ, କାମକୁ ଘୃଣା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ କାମ କର। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତମେ ଖାଲି କହିବ ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଉ, ନଟ୍ ନେସେସରୀ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଲୋକ ଶୁଣିଲେ କହୁଥିବେ ଇଏ ପାଇଛି ବୋଲି କହୁଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି, ନା ସରକାର କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ସରକାର ଚାକିରି ଏତେ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଆପଣ ବୈଷୟିକ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସେଦିନର ଖଟା ପଖାଳ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି, ଆଜି ସେଦିନ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ନିଜେ ସେଇଠି ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏଠି ପ୍ରଫେସର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ, ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ତାହା କେବଳ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସୀମିତ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବା ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ରହିଛି ସେଥିରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।